मेरा बराबर भी खज्जी का झाड़ आपने मिल गया। और सुना आप इंडिया के अलावा कहाँ कहाँ गए? मैं आपके घर भी गया हूँ। आप नहीं बोलता बात, सब पानी का बोल बोला। हाँ पानी का बोल बोला। यह सोशल मीडिया आसान है मशहूर होना इस दौर में, ठीक है? अच्छा, और आसान है जलील होना इस दौर में। हाँ बिल्कुल, मेरा कैमरा कौन सा? मेरा कैमरा मैं ले जाऊंगा। दैट्स अ गुड वन। अस्सलाम वालेकुम जी, हसन खान हेयर और आप देख रहे हैं हसन खान पॉडकास्ट शो। और आज का जो शो है बहुत ही डिफरेंट है और मैं मुस्तकिल हंस रहा हूँ। मेरी रेहान भाई, हमारी मेरी खुशनसीबी है कि रेहान जमाल भाई द फेमस कॉमेडियन द लेजेंड ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, ख़ास तौर पर साउथ एशिया में जहाँ पर वो इंडिया में भी गए और वहाँ पर भी हमारा पाकिस्तान का नाम रोशन किया और बेपना अवार्ड जीते वहाँ पर, और बहुत मज़े मज़े की चीज़ें उन्होंने की। और ही केम बैक टू पाकिस्तान और मुख्तलिफ थिएटर्स उन्होंने काम किया, यानी कि क्या नहीं किया उन्होंने। और जो करेक्टर आप उनको दे दें उस करेक्टर में ऐसे ढल जाते हैं, लगता ही नहीं कि ये यू नो रेहान जमाल भाई हैं। और मिमिक्री में तो इनका कोई साने नहीं, यानी कि आई हैव नेवर सीन। और यकीन करें मैं मेरा हंस हंस, क्योंकि ज़ाहिर है इस कैमरे से पहले हम लोग ऑफ द कैमरा बात करें तो मुस्तकिल में हंस रहा हूँ। और उनके साथ मौजूद हैं हमारे जो साथ होते हैं अक्सर आतिफ एलिया साहब, तो वो तो खैर होते ही उनसे ज्यादा, उनकी क्या ज्यादा करें। रेहान भाई इट्स अ प्लेजर टू हैव यू सर, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू। माशाल्लाह, थैंक यू। क्या बात है सर, आप मतलब आपकी कंपनी बड़ी जबरदस्त कंपनी, मतलब आपके साथ बैठना तो बंदा हंसना, कैसे कहते हैं ना, बड़ा मुश्किल हंसी रोकना। ये आतिफ एलिया साहब हैं, से हाथ मिलाया हमने, हमेशा लोगों से हाथ भी मिलाया और दिल से दिल भी मिलाए, लेकिन किसी ने हमको, हमने किसी को मुंह ना लगाया, इस बात का गिला है, गिला शिकवा है। यार ये कंटिन्यू करें, आतिफ एलिया, आतिफ एलिया सर, इनको लिपस्टिक लगा दो आतिफ आलिया हो जाए। मेरा बराबर भी खज्जी का झाड़ आपने। अरे सर ये बहुत मशहूर शायर है सर। हाँ बहुत मशहूर, लोगों के बारे में जुआ की है, मेरी तारीफ कर रहे हैं या मेरी बजा रहे हैं? मेरे बालों को आप खज्जी का वो कह रहे हैं? नहीं, ये कोई यहाँ पर कोई बेरिया है कोई? नहीं, तो मुझे अच्छे और माकूल शख्स सर, ये बहुत फेमस है, बहुत स्टार है हमारे आतिफ एलिया साहब। मैंने आपकी बजाई नहीं है, मैंने आपकी बिल्कुल नहीं बजाई। बजाएंगे? नहीं नहीं, यार अमेजिंग अमेजिंग, बहुत एहसन भाई। राइट, मैं ये कहूंगा कि मजा आया यहाँ पे आके, जज़ाकअल्लाह। और आप से मिला और अली भाई से मिला, टीम से मिला आपकी, बहुत अच्छा लगा यार। थैंक यू सो मच सर, इट्स अ प्रिविलेज। इस बात पे आपको एक चीज डेडिकेट कर देता हूँ जी। चार तीना थी दुनिया है, काले पीले मौज उड़ा, कुछ काले पीले मौज उड़ा, सारे गांव बादल नहीं जा, पानी का बुलबुला, पानी का बुलबुला, की महीने तीन साल की मर्जी और हाल की सुल्फा थी चाल की मई, क्या बात है। सब पानी का बोल बोला, पानी का बोल बोला, सब कुछ। क्या बात है, क्या बात है यार। रेहान भाई यू आर आल्सो अ ग्रेट सिंगर माशाल्लाह। और वाकई ये बड़ा गहरा गाना है, आपने तो इसको मेमोराइज करना बड़ा मुश्किल है गाइस। ये इतने सारे जुमले आपको सुनने में आसान लग रहा होगा, इसको थोड़ा याद करके जरा देखिए। आपने एक गाना बैठे बैठे भी बनाया आतिफ एलिया के ऊपर। आतिफ एलिया के साथ ओ मैले मुंह धोले, मुंह धोने को साबुन चाहिए, है तू न पाक आती है कितनी बू, है तू न पाक तेरे पास पास आती है कितनी बू, सारे संसार का गंध तुझ में सिमट के आया ओ मैले। क्या बात है, क्या बात है, क्या मिला दिया आपने, क्या बात है। और ये तकलीफ में रहता है सर, आती भी ये तकलीफ में, ये मलिंगा का बैनर भी लग रहा है। हां मलिंगा के बाल वैसे ऐसे घूम रहे हैं बाल से। ये कोई शेर है? हां प्ले कोई शेर आप आती भी सर, कोई आज इस पॉडकास्ट का कोई शेर, इस शेर जो आप बताए, आप बता रहे थे कि कुछ आपका नई बता रहे थे शेर। हां नई चीज बता रहे थे आप। हां नहीं कोई ऐसी चीज तो मार्केट में नहीं आई
जॉन एलियस आपका, जॉन एलियस तो खैर एक नाम था, बेशक बेशक। आतिफ एलियस साहब एक शेर था कि क्या मैं ही, हाँ ऐसी कुछ, कौन सा शेर था ये, मुझे चैन क्यों नहीं मिलता, कुछ ऐसे बता रहे थे आप। हम लोग कहते हैं तो मैं, हाँ प्लीज, अच्छा रहने दे, नहीं 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 है अभी रात में कर रहे ये मुझे चैन क्यों नहीं मिलता, अंडरवेयर धो के पहन रहा, ये मुझे चैन क्यों नहीं मिलता, पतलून झाड़नी पड़ेगी इस संसार में। अच्छा बात आपने वैसे ही बड़े मेरे, ये मुझे चैन क्यों नहीं मिलता, ये मुझे चैन क्यों नहीं मिलता, ये क्यों चैन नहीं मिलता, कहाँ में ये मुझे क्यों चैन नहीं मिलता इस जहां में, क्या मैं ही एक आखिरी आशिक हूँ ये वो तो आपने बताया था, आप तो कैमरा, आपने कहा था कि आपने ऑफ कैमरा कहा था कि मैं ही, इन्होंने ये कहा था ये मुझे चैन क्यों नहीं मिलता, आते भाई आते भैया गलत हो रहा है क्या, थरकी तो इसमें है, इसमें क्या हो गया, बुरी बात नहीं होता है, बल्कि होते हैं थरकी, हाँ बिल्कुल होते हैं थरकी, होता है थरक भी होगी, हाँ अच्छा मैंने सुना है मर्द ठरकी होते हैं जी, क्या औरतें भी ठरकी होती हैं, ये सवाल है, ये होती है बिल्कुल होती है, हाँ होती है, एक औरत दूसरी औरत से कह रही है कि अल्लाह ये जो मर्द हजरात हैं ये आपस में क्या बातें करते हैं, तो दूसरी कहने लगी वही बातें करते हैं जो हम करते हैं, तो वो कहने लगी अच्छा इतने बदतमीज, ओह माय गॉड, ये बात भी सही है, सुनते हैं आप औरतों की बातें, हाँ मैं भी सुनता हूँ भाई, शादी शुदा हूँ, बीवी की सुननी पड़ती है, आप शादी शुदा है, अच्छा बीवी आया था, मामा चल रहा है, क्या आप देखिए उन्होंने बाल कैसे बनाए रेहान भाई, यार ये बाल आपने दिखा जो मोटरसाइकिल को उल्टा बैठ गया है, ये बड़ा भाई बड़ा राज, इन बालों का राज क्या है सर, बस कुछ भी नहीं है राज इन बालों का, अच्छा मक्खियां भी बनते हैं खुद ब खुद, बनते हैं सवरते हैं, गिरते हैं उलझते हैं, क्या बात है यार, हर बात पे शायरी है, मतलब ये बाल थोड़ी जुल्फे हैं समंदर की, वाह वाह, देखता है वो देखता रह जाता है, क्या बात है, क्या बात है रेहान भाई, हाँ आते भैया आप यहीं पर होते हैं ना, ये सर आए हुए बड़ी कम टाइम के लिए, आप तो ये सोते भी यहीं स्टूडियो में, मैं आता हूँ सालों से, लेकिन कुछ आपके जो फैंस हैं वो आपको रिसेंटली उन्होंने जानना शुरू किया, ऐसा है तो सोशल मीडिया का रोल कैसा देखते हैं आप अपने करियर में, यह सोशल मीडिया आसान है मशहूर होना इस दौर में, ठीक है, और आसान है जलील होना इस दौर में, ये बता दूं सोशल मीडिया आपको एकदम जलील भी कर देगा, वो तो हमें अभी भी अंदाजा हो रहा है देख रहे हैं, वो तो खैर कुछ लोगों के नसीब में लिखा होता है, मां जो लबड़ा हाथ खोलो ध्यान ले, अच्छा क्या भी आप कर रहे हैं, सर ये बड़े मशहूर हुए हैं हमारे पोएट है, पोएट शायरी लिखते हैं, लिखते हैं पढ़ते नहीं लिखते, वो तुमने कह रहे थे यूं जो तकता है छत को तू कुछ कर आप कर रहे थे, इतना अच्छा टॉपिक चल रहा है कंटिन्यू रखें सर, वो टॉपिक हां वो फिर तुम तो फिर लग जाओ, अच्छा तो सोशल मीडिया आपने बोला सोशल मीडिया पे जलील होना भी मैं कह रहा हूं आसान है, लेकिन आजकल जो लोग सोशल मीडिया पे यार मेहनत करके आने वाले लोग हैं, मैं आपको बताऊं नादिर अली ने मेहनत की, अगर कोई मुझसे कहेगा ना नादिर अली यार वो मेहनत करके स्टार बना, ये बात हमने खुद देखी, आमिर बाबा ने खुद देखी, ठीक है, अब कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं दिखा रहे, सिर्फ फैमिली दिखा रहे, हाउ डू यू सी दैट, जो फैमिली जो कंटेंट है, हमारे पाकिस्तान में लोगों को दूसरे के घरों में घुसने की बहुत आदत, हमें वो हो गया, आदत हो गई है, बीमारी हो गई है, क्योंकि देखिए शोहरत जो है ना, शोहरत तो ये झांक रहा था पड़ोसी घर में आतिफ एलिया झांक रहा था, झांकता है चाचा के कमरे में सुनाता किया, डांटती थी देख रहा है ना, झांकता ही है यार, यार क्या बात कर दी यार,
वाकई तो आपको आपने देखे हैं ऐसे ऐसे लोग जिनको नहीं हजम हुई शोहरत, मतलब आप पता क्या यहाँ पे हमारी ना देखें आप प्रोफेशनल जेलिसी रखें, ठीक है ना, आप जाती जेलिसी ना रखें किसी से शो बिज लाइक। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, एक चीज बड़ी वायरल हुई भी है और वो ये कि रेहान जमाल अहमद खान पॉडकास्ट में क्यों नहीं बैठे। हाँ मैंने आपको वैसे देखा भी नहीं काफी रिसेंट दिनों, और अभी मैंने कमाल वाला कैरेक्टर किया, कुमार सानू का कैरेक्टर किया, और भी मजीद मैंने चरसीमा वाली ये वो सारे किए, तो वो सारे अच्छे व्यूज पे गए और लोगों ने नीचे इंडिया से खासकर पाकिस्तान से भी तो लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट्स किए, रेहान जमाल फलाना रेहान जमाल खा गया, तो ये चीजें वहां के कुछ लोगों को हजम नहीं हुई। अच्छा आप ऑन द कैमरा, हालांकि मैं ऑन द कैमरा आप खुद कह रहे हैं ये बात, मैं खुद ही कह रहा हूँ ये बात। वजह ये देखिए हम उमर भाई मुइन भाई के हाथों में पले लोग, हमने जिंदगी में आमद पे काम किया, हमने पर्चे रख के और लतीफे सुना सुना के हमने ये काम नहीं किया। हाँ। पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे आर्टिस्ट हैं, आप यकीन करें सिर्फ उनके मैं मूछे लगा दूं ना उनका दिमाग बंद हो जाएगा, दिमाग बंद हो जाएगा, हम तो फिर भी कैरेक्टर कर रहे हैं। सही बात है। और फिर आमद पे बात कर रहे हैं, तो मेरे वहां अहमद खान पॉडकास्ट में ना आने की सबसे बड़ी वजह भी यही है कि आप किसी के ऊपर से आ जाओगे ना तो वो आपको दूसरे दिन होशियारी पकड़ लेगा, वो बोलेगा क्योंकि उतने इन्फ्लुएंस हैं, क्योंकि वो भी तो एक गेस्ट है ना, इतने इन्फ्लुएंस है उनका उस प्रोग्राम जिसकी आप बात करें कि वो इतने इन्फ्लुएंस है, क्योंकि एक तो जाहिर जिसका शो है वो तो हमें पता है, जो दो दो जो कॉमेडियन बैठे होते हैं शो में, तो उस शो में क्या वो इतने पावरफुल है, वो किसी को भी हटा सकते हैं, किसी को भी रख सकते हैं। नहीं, वो किसी को भी हटा नहीं सकते, बस उनके ऊपर से कोई आ जाए। हाँ। एक्ट में उनका काम है वहां पे बिठा के दूसरों को जलील करना, ये बिल्कुल है, जो उनकी बातों में आ जाए उसको दोबारा बिठा लेंगे, और जो उनसे ऊपर आ जाए नीचे कमेंट्स में कि रेहान जमाल खा गया, रेहान जमाल ने महफिल लूट ली, रेहान जमाल ने आज इन दोनों को वोट लगा दी, हां मतलब पता चल गया, तो फिर अंदर ही अंदर जो है ना जेलेसी शुरू हो जाती है, यार ये ना करो। इट इज हैपेंड टू द सेम टू जुमला क्या आया कि रेहान जमाल अगर इस शो में होगा तो हम नहीं करेंगे इस शो। ओह माय गॉड, ऐसा हो गया मामला, ऐसा मामला हुआ। तो यार ये करने वाली बात है, आप देखिए आप किसी के घर थोड़ी चला रहे, रिस्क देने वाली जात ऊपर बैठी है, काम देने वाली जात ऊपर बैठी है। आप अगर किसी को पीठ पीछे ये कहते हो, क्योंकि ये बात मुझे अहमद खान ने खुद कही है कि यार कुछ आर्टिस्ट हैं, मैं नाम नहीं ले रहा अभी भी, कुछ आर्टिस्ट हैं जो ये कह रहे हैं रेहान जमाल बैठेगा तो हम नहीं करेंगे, तो भाई मुझे नहीं बिठाओ, मैं कोई वहां मर थोड़ी हूँ, सही बात सही बात, ना मुझे जरूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की जात बहुत बड़ी है। और फिर नादिर अली, आप यकीन करें अगर यूट्यूबर्स में सबसे अच्छा इंसान है तो वही है, लोग बहुत बातें करते हैं उसके बारे में कि उल्टी सीधी है। तस्वीर का दूसरा रूप कुछ और है। नादिर अली के लिए एक बात बोलूंगा, गरीब आर्टिस्ट जो पुराने हो गए ना, जो आर्टिस्ट जिनको काम नहीं मिलता वो चुपके चुपके जाकर उनकी हेल्प भी करता है। देखे ना यार, ये काम मेरे आंखों के सामने उसने कही, बहुत से आर्टिस्टों के साथ किया जिसको काम नहीं मिला वो अपनी जगह पे बुला के बगैर काम किए उनको लिफाफा दे रहा होता है कि नहीं यार ये आपका बनता है, नहीं यार ये आपका बनता है, वो इतना अच्छा इंसान है। कोई सीनियर आर्टिस्ट आते हैं अपनी सीट छोड़ के उनको उस सीट पे बिठाता है कि सर बैठे आप, मैं आपको शुरू से बच्चा हूँ, तो ऐसे इंसान को अल्लाह भाग नहीं लगाएगा। आप देख लें फिर पॉडकास्ट मैंने खत्म किया अहमद खान की, आप व्यूज देख लें कहाँ है। और जब मैंने पॉडकास्ट शुरू की थी कवाल वाला, इस पे 18 करोड़ लोगों ने देखा, और कुमार सानू वाला भी बहुत हिट हुआ, अमिताभ बच्चन वाला बहुत हिट हुआ, तो वो सब लाखों में जा रहे थे, अब लाख भी नहीं हो रहे व्यूज। माय गॉड माय गॉड, ये हुआ काम। माय गॉड, आतिफ अली सब कुछ बोले ना आपको, आप ऐसा क्या आतिफ अली कुछ तो बोले, आप कुछ तो शेर बोले बताएं आप। अच्छा लग रहा है, हम तो हमेशा सुनाते ही हैं। हां ठीक है, आप आतिफ अली कुछ बताएं ना, आप बिल्कुल ही खामोश हैं इस पॉडकास्ट में, आतिफ अली कुछ बताएं, आप घबराए नहीं, हम आप पे ऐसी मजाक उड़ा कर रहे हैं। नहीं सर, मैं सर एक शेर में सुना दूं। हां प्लीज। सब तो जमाने के राज को, हां हां जमाने के राज को चिड़िया टोपी दे रही है आवाज को, कोई सुन नहीं रहा गरीब की आवाज को, क्योंकि चिड़िया टोपी दे रही है वास को, अब कौन समझाए उस नवाज को, हाय 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 हाय, अब कौन समझाए उस नवाज को कि चिड़िया टोपी दे रही है वास को, है खत्म हो गया भाई। माशाल्लाह चुपके रहते बाल के पीछे ना आतिफ अली। और सुना आप इंडिया के अलावा कहाँ कहाँ गए, मैं आपके घर भी गया हूँ आतिफ भाई, ये बड़े लेजेंड है, आप उनके आइए आपके हाथ में नहीं आएंगे, आपके हाथ क्या करना चाहते, हम तो पकड़ना भी नहीं चाहते, मैं आपको पकड़ाना भी नहीं चाहता। यार क्या बोल रही है, तो अमेजिंग यार अमेजिंग, क्या बात है क्या बात है, इतने बड़े आपने परफॉर्म किया, इंडिया गए थिएटर में परफॉर्म किया, जो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है थिएटर में परफॉर्म करना, लोगों को आसान है,
फिर ठीक है, आपने बोला कि बहुत सारे लोग यूट्यूब पे मशहूर हुए, उनका हकदार थे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो पुराने आर्टिस्ट, जैसे आप लोग आर्टिस्ट थे, आपने इतना सरवाइव किया, यकीनन टफ टाइम देखा होगा, अप्स एंड डाउन लाइफ पे देखे होंगे, उसके बाद एक सोशल मीडिया आया, एक वेव चली, और देखते ही देखते जो आप बोलते थे यार ये अच्छा ये, वो बड़े आर्टिस्ट बन गए, अपनी पॉडकास्टें बना दी, प्रैंक स्टार बन गए, और कुछ अलग अलग चैनल बना दिए, अब वो लोग लोगों को बुलाते हैं, तो आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं आप नाइंसाफी नहीं देखते यार, ये क्या हो रहा है यार? यार मैं ऐसा, मैं एक बात बताऊं, ये पॉडकास्ट के लिए जो डिजर्वर लोग होते हैं ना, वो आप जैसे लोग होते हैं। जज़ाकअल्लाह सर, तालीमी आपका, थैंक यू सर, जज़ाकअल्लाह। सामने वाले को इज्जत देना, और फिर नॉलेज है आपके पास ना, आपके पास जब एजुकेशन होती है ना, तो आप किसी आर्टिस्ट को सामने बिठा तो रहे, मुहीन भाई ने जितने भी लोगों के इंटरव्यूज किए हैं ना, पॉडकास्ट कह ले, उस दौर की, उस दौर के पॉडकास्ट कह ले, इंटरव्यू कह ले, तो मुहीन भाई जिसको भी बुलाते थे पहले सारी इंफॉर्मेशन लेते थे, सारा उसके बारे में पढ़ते थे, फिर उसके बाद उसको बुलाते थे, करेक्ट। अब अगर वो मैं आपके सामने कॉमेडियन हूँ, तो आपको कॉमेडियन की हिस्ट्री पता होती थी, पता होती थी। आपके सामने सिंगर बैठा, तो आपको सिंगिंग की हिस्ट्री पता होती ऐसा थी। ही है। अभी आपने पॉडकास्ट में बुला तो लिया है, पता पीछे से आपको कुछ है, exactly. आप उनसे वो सवालात कर रहे हो जो आपकी सुर्खियों का हिस्सा बनेंगे, ठीक है, कंट्रोवर्शियल बातें कर रहे हो, ये बड़ा चल रहा है, तो ये नहीं होना। अब देखिए तालीम, ये तो होस्टिंग है ना, ये तालीम, थैंक यू ब्रदर। और आप माशाल्लाह खुद, मैं जब से आया हूँ आप इंग्लिश में बोलना, फिर आपकी नॉलेज है, थैंक यू, और खुद आप स्टार के भाई हैं, थैंक यू सर, थैंक यू, स्टार के आप भाई हैं यार, तो आने वाले वक्तों में मैं भी आपको एक स्टार ही देख रहा हूँ। आप स्टार है, आपका डिजर्व होता है, बनता है करना कि आप डिजर्वर है इस चीज में, तो हर बंदा, नादिर खान ने अगर नादिर अली ने अगर पॉडकास्ट किए ना, तो नादिर अली तो लोगों के दिल पे छा गया, प्यार करते हैं उससे, लोग प्यार करते हैं, सारी बढ़िया ऐसे ही है। तो पॉडकास्ट का मतलब ये होता है तालीम, एक इंफॉर्मेशन जरूरी है, बिल्कुल सही बात। अब मैं अगर किसी को अपने सामने में सिंगर को बिठाता हूँ, तो मुझे सिंगिंग की क्या है, गाना क्या है, गाना क्या था कि गाना बहुत मुश्किल हूँ, और गा तो भी सारे गा, तुम भी सोचो सर, क्यों न रोके तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, क्या बात है, तुमको अपनी कसम, जाने जा रोक लो आज की रात को, आज जाने की जिद ना करो, ये रागे मन क्या बात है, कमाल है, सीधा सीधा कमाल है। तो मुझे अगर मैं किसी सिंगर से बात कर रहा हूँ, या सिंगर का गेटअप किया हुआ, तो मुझे उसकी आवना तो, और मैंने आपकी पॉडकास्ट देखी थी, मैं आपके आपकी आप सामने इसलिए नहीं कह रहा, लेकिन आपके टैलेंट का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, कि नाना पाटेकर आप बन जाते हैं, आप हर रोल में, मुझे याद है आप कोई वो बने थे 2.5 किलो वाला, वो क्या था वो, ये मजदूर लोहा पिघला के उसका आकार बन गया, ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है, मुझे किसी के टुकड़ों पे पलने की जरूरत नहीं। हाँ जिंदा जिंदा। अबे भाई क्या हो गया, वो भी किया नाना पाटेकर, नाना पाटेकर वो मैं अच्छा थे, क्या यार क्या आर्टिस्ट, अरे मेरी मौत का तमाशा देख, आओ सालो आओ, ये हिंदू ने किया, ये मुसलमान ने किया, इन दोनों को मिला दिया, पता तेरा कौन सा है। कमाल है। और आप अपनी सारी चीजें कवर करते हैं, कहीं स्टेज ड्रामास होते हैं तो वो भी परफॉर्म, मतलब बिल्कुल, और जब मैं यहाँ आया हूँ तो मैंने शायद आपको बताया नहीं था, मैं रास्ते में आपसे बगैर पूछे जी, और मुझे ये थोड़ी सी एक तरह से मुझे थोड़ा सा तमीज़ भी लग रही थी, लेकिन मैंने आपको आगे बता दिया, मैं आपके शो को पीछे से कवर करता हुआ आया,
एहसन भाई के शो में जा रहा हूं। अरे जजाक अल्लाह, थैंक यू सो मच, ये तो हमारी खुश नसीबी है भाई, खुश नसीबी। अपने चैनल पे यहां जो पॉडकास्ट मैंने की है बिहाइंड द सीन वो भी दिखाऊंगा जरूर। एक्सीलेंट। तो मुझे रेहान जमाल को जो है ना एक चीज चाहिए, वो है रिस्पेक्ट। माशाल्लाह। एक आर्टिस्ट के लिए सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट उसकी हौसला अफजाई होती है। एब्सोल्युटली। हां, जो कि यहां पर बिल्कुल नजर नहीं आ रही मुझे कोने में। नहीं नहीं नहीं, मैं इनके इनके बारे में मैंने आपको देखा परसों, ये खरबूजे में बैठे देखा होगा आपने। सबको सुना दे कोई शेर यार, जैसे मैं घूमा। हां, तो बोल ले भाई। आपकी पर्सनैलिटी का ना वो हो गए, गुमसुम से हो गए, थोड़े से डर डर गए, डर गए। हमारे हर एंकर को अल्लाह ताला सबको, हमारे जितने भी लोग हैं उनको बहुत तरक्की दे। आमीन सुब्बा, आमीन। यही बात बोलिए भाई, यही बात मुकम्मल बोलिए। क्या बात है, क्या बात। मैं बहुत खुश हुआ हूँ यहाँ पे आके, मुझे बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच भाई, और आपने जो रिस्पेक्ट दी बिहाइंड द सीन, आपने बहुत रिस्पेक्ट दी। थैंक यू सो मच, तो इस बात का बहुत शुक्रिया आपका। अरे यार, यू डिजर्व इट। आप हमारे वो, और मुझे यकीन करें इतने अच्छे लगते हैं जो हमारे जो फनकार है ना, वो दे आर हाईली, मतलब उनको प्यार करना चाहिए। और बाकी बड़े सेंसिटिव होते हैं जो फनकार होते हैं, उनका बहुत ज्यादा ये इस बारे में, क्योंकि आप कुछ क्या कहेंगे इस बारे में रेहान भाई, जो फनकार होते हैं, फनकार देखिए, फनकार जो होता है ना, एक होता है फनकार और इन्हीं के बीच में होता है फनकार। सही। जो लोग आर्टिस्ट नहीं होते ना, जो लोग फनकार नहीं होते ना, वो मक्कार होते हैं। वाओ वाओ, वरना जो असल फनकार होता है उसको मक्कारी की जरूरत नहीं, उसको अपने फन पे इतना टैलेंट होता है, अपने फन पे, सॉरी, उसको इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट हूं मैं अपने फन के ऊपर, मुझे मालूम है कि यार मैं कहीं ना कहीं अल्लाह पाक के करम से कर ही लूंगा। और जो लोग कुछ नहीं कर पाते ना ऐसे वाइज फील्ड में, वो सिर्फ मक्कारी में लग जाते हैं। वाह, ये है। पर तो आर्टिस्ट वो हसास, जो आपने बात की ना, आर्टिस्ट बहुत हसास होता है। मैं आपको शेर सुनाता हूँ, बहुत जबरदस्त। प्लीज। उनकी आंखों में हल्की सी नमी होती है। आहा। उनकी आंखों में हल्की सी नमी होती है जो बात करते हैं औरों को हंसाने के लिए। आहा। 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 और मुझे बारिश में चलना इसीलिए पसंद है कि उसमें कोई मेरे आंसू नहीं देख सकता। वाह 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 वाह, ये सारी। और तेरी इस बात से टूटा है मेरे दिल का कांच, तेरा मुंह ऐसा है जैसे उर्दू का पांच। और मुस्तकबिल में तू क्या गुल खिलाएगा, इस मुंह का कुल्ला करा ले, एक मुंह और निकल आएगा। नहीं, बालों में तो एक ही निकलेगा। कितने घने बाल है, मैंने देखे नहीं कभी इतने घने बाल। इतने घने बाल नहीं देखे आपने? नहीं नहीं सर, सिर्फ सर के इतने घने हैं या रीच वाले बाल तो नहीं आपके? आप भी इतनी घनी आती है, अगले शो में दिखाएंगे। शेव नहीं करेंगे, शेव नहीं करेंगे। नहीं नहीं, वैसे यार इनका नाम है आतिफ सर, आतिफ एलिया, आतिफ एलिया नाम है इनका, आतिफ एलिया। ये अपने आपको जॉन एलिया जो मशहूर शायर थे, उनकी तरह समझते हैं, पता नहीं क्यों लगता है इनको ऐसा। जॉन एलिया की तो बेटे तो नहीं। जॉन एलिया कहाँ रहते हैं आप? आप तो अपना बताया, कहाँ लाइन जगह लगा बताया, आपके घर में चले जी। ये तो कमाल, कोई भी किसी बात का माइंड नहीं कीजिएगा, ये मेरा बहुत प्यारा भाई आतिफ नाम है, और मुझे इनसे मिलके खुशी हुई है, और एहसन भाई आपसे मिलकर मेरा। थैंक यू, जजाकल्ला जजाकल्ला भाई। ये अभी हम शो खत्म कर रहे हैं, लेकिन रेहान भाई से हमारा ताल्लुक खत्म नहीं हो रहा, अभी हम बैठेंगे और विल सिट टुगेदर, अभी हम बात करेंगे, अभी हम आगे का फ्यूचर की प्लानिंग के हवाले से, और इंशाल्लाह। और मैं इट्स अ फैसिनेटिंग पॉडकास्ट, और बड़ा मजा आया, और ये मुझे पता नहीं कितना वक्त गुजर गया, पता नहीं चल रहा, और ये भी नहीं पता कितना वक्त गुजर जाएगा, इसलिए हम अभी कुछ कैलकुलेशन में नहीं जाते, लेकिन इट वॉज अ प्लेजर टू हैव रेहान भाई। और आतिफ तो यही, आतिफ भी तो होता ही, सोता भी यहीं पर है, इसके साथ भी कुछ हो रहा हो? नहीं नहीं, अभी इधर अकेले ही सर, कौन सा कौन सा तो ये बहुत यही पाया जाता है, यही पाया जाता है। तो इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी किसी और रिस्पेक्टेबल गेस्ट के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।